शादी में गई हुई थी, उसके बाद क्या नाम है आई थी, उसके बाद मैं बैंक एकदम से जाने वाली थी, बुरारी में जा रही थी, इतनी में पुलिया पे दो लड़के ने पीछा की और उसके बाद मैंने मेरे से पूछ रहे थे दीदी बस का बस जाना है हरियाणा में, मैंने बोला मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे पता नहीं, आगे जाके पता कर लीजिए। इतने में टच होके दोनों ही चल रहे थे मेरे साथ साथ, इतने में पता नहीं क्या हो गया, एक थ्री व्हीलर में मेरे को बिठा लिए और इतना मुझे पता है हनुमान मंदिर तक उतारना चालू किया और संत नगर में मुझे उतारे। उसके बाद मैं जाने लगी, मैंने ये बोला 100 नंबर कॉल करूंगी कॉल करूंगी, उसके बाद कह रहे मत करना करना, मेरे पीछा तक ये पीछा किया। जब वो आपके घर जा रहे थे आपको क्या था? मैं कुछ ही कर ही नहीं पाती, पता नहीं क्या कर दिए थे, मेरे को पता चल रहे थे ये उतार रहे सारे, मैं कह रहे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, पर मुझे समझ में नहीं आया ये क्या कर रहे थे मेरे साथ, पता नहीं क्या हो, बेहोशी थी मैं। तो आपको ऐसा था कुछ खाने के लिए दिया होगा? नहीं, टच हुआ था, रुमाल सा मेरे ऊपर झा रहा था, रुमाल है ऐसे कर दिए और सब मेरे पैसे भी निकाल लिए और सारे सामान भी ले लिए। पैदल ही जा रही थी मैं नथुपुरा मोड़ तक। तो आपको कहाँ रोका? पुलिया से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पुलिया के पास से ही पीछा किया। नहीं, पुलिया के पास स्टैंड के पास आगे थोड़ा, पुलिस चौकी सा नहीं बनी हुई है, वहाँ से पीछे किया उन्होंने। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, थ्री व्हीलर थोड़ा सा आगे मेरे को बिठाया उन्होंने, उसके बाद मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, सारे सामान देखा संतनगर में उतार लिए। जब ये खींच रहे थे बहुत ज़्यादा दर्द, थोड़ा सा मेरे को नशा में खींच रहे थे वो। तो आप जब यहाँ से गए तो ऑटो में बैठे जब उतारे थे या पैदल जाते जाते उतारे? नहीं, ऑटो में बिठा के, हाँ इन्होंने ऑटो में बिठाए थे। मुझे होश ही नहीं था ये क्या कर रहे थे। मैं बैंक में कुछ पैसे डालने के लिए भी जा रही थी और कोचिंग में भी मुझे उतरना था, इतने में ये लोग पहले ही कर लिए थे। कितने पैसे थे आपके पास? वैसे मेरे पास तो जब 1500 रुपए थे। तो आप बैंक में कितने पैसे डालने जा रहे थे? है पता था ना कोशिक में, वहाँ से लेके फिर मैं डालने जाती, ये लोग पहले ही कर दिए। पुलिस ने क्या कार्रवाई की आपने? मैंने पहले वहाँ पे 100 नंबर कॉल किया था, 100 नंबर नहीं मिले, फिर यहाँ पे आके किसी के नंबर ली थी 181 नंबर, उन्होंने तुरंत फोन करके मेरे को बताया आपका स्वरूप नगर थाना पड़ेंगे। उसके बाद स्वरूप बहर गई तो कह रहे वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको संत नगर में। वहाँ संत नगर में गई तो वहाँ से कोई कार्रवाई मतलब कोई आई नहीं यहाँ पे अभी तक। पुरारी थाने में बात हुई है किसी आईओ से? आईओ से बात नहीं, वहाँ पे मैं गई थी तो कह रहे आपके घर जाएंगे तब हम एचओएचओ को बताएंगे, एचओएचओ भी नहीं आए ना पुलिस वाले कोई आए, मैंने कॉल भी किया उन। अच्छा, जिस तरह आपके साथ हुआ तो पहले भी कभी हुआ है क्या? मेरे पास पहले अगर होती भी तो मेरे को पता नहीं है, पर मैं अगर पता भी होती मैं इतने जेवर क्यों पहन के जाती, मुझे पता नहीं था। मेरा नाम तो बनारसी है। बनारसी भी पहले भी क्या महिलाओं के साथ? पहले भी हुआ, दो बार क्यों, दो तीनों की गैल हुआ, एक तेरे नंबर में रहती है उसके साथ भी ऐसे हुआ, उसके साथ भी कुंडल उंडल निकाल ली उसके भका के निया, और जो झुमकी निकाली वो भी 2-2.5 साल पहले निकाली है, वो भी दो ही बंदे थे। एक लड़के ने एड्रेस पूछा, एड्रेस के बाद उसे पता नहीं क्या करा, फिर उसने नोटों की गड्डी दिखाई, उसके ऊपर 50 का नोट लग रहा था और नोटों की गड्डी थी। तो सम्मोहन का मामला लगातार चल रहा है, पुलिस वाले क्या कुछ कर रहे हैं? बस पुलिस वाले का तो पता नहीं, उन्होंने कुछ कार्रवाई करी नहीं करी उस बारे में तो हमें पता ना कुछ।